दैनिक जीवन में हम बहुत से संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन संसाधनों के बारे में सोचा है? यह हमें कैसे और कहां से प्राप्त होते हैं? हमारी पृथ्वी पर दो तरह के संसाधन हैं। पहले नवीकरणीय संसाधन, जो कभी नष्ट नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी और हवा। दूसरे अनवीकरणीय संसाधन, जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल आदि। चलिए जानते हैं एक अनवीकरणीय संसाधन के बारे में, जिसका इस्तेमाल बहुत सालों से हो रहा है। यह संसाधन ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता था। इस संसाधन से शुरुआती समय में रेलगाड़ी चलाने के लिए करते थे। क्या आप बता सकते हैं कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? कोयला। आज हम कोयले के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कोयले का निर्माण कैसे हुआ। लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्र में बहुत मात्रा में वन हुआ करते थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये वन मृदा यानी मिट्टी के नीचे दब गए। समय बीतता गया और वनों के ऊपर मृदा जमती गई। मृदा के नीचे दबे होने के कारण हीट बढ़ती गई। हीट बढ़ने के कारण वह वन कोयले में तब्दील हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयले बनने की पूरी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या आप जानते हैं, भारत में लगभग 71% बिजली कोयले से बनाई जाती है। कुछ ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट गुरुशाला के साथ जुड़े रहिए।